everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to start the second chapter of 10th class, acid, base and salt. So let's start it. So first of all, I am going to write the definition of acid. What are acid? So acids are the basically the chemical substances. Acid are the chemical substances which gives H ion, hydrogen ion, on dissociation. जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देंगे डिसोसिएशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएच। द पीएच इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी एक स्पेशल वीडियो बनेगी अलग से, तो उसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो अभी हम पीएच पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जस्ट तो पीएच पेपर में कुछ ऐसा होता है, इसमें 0 to 14 तक रेडिन होती है, ठीक है। 0 to 7 एसिडिक बिहेवियर को शो करता है और 7 to 14 बेसिक बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। एंड 7 इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल, 7 को न्यूट्रल समझा जाता है बिल्कुल, ठीक है। आपको ये चेक करना है जस्ट। यदि हम इस तरफ आते हैं, मतलब 7 से 0 की तरफ आते हैं, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट एसिडिक, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास दो केमिकल सब्सटेंस है, एक की पीएच वैल्यू दे रखा है 2.5 और एक की दे रखी है जैसे मान लो 5.8, तो इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? देन लेसर द पीएच वैल्यू द मोर इट इज एसिडिक, एंड द ग्रेटर द वैल्यू इट इज लेस एसिडिक। तो इसमें ये ज्यादा रहेगा और ये कम रहेगा। इट विल बी मोर एसिडिक एंड इट विल बी लेस एसिडिक, ठीक है, ये रहेगा। तो पीएच जो वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें हम, टेस्ट, दीज आर श्योर इन टेस्ट, ठीक है, श्योर मतलब खट्टे होते हैं। थर्ड की बात करते हैं हम, थर्ड इज द लिटमस टेस्ट। अब ये लिटमस क्या होते हैं? लिटमस एक पेपर होता है, जनरली रेड एंड ब्लू आते हैं, ठीक है। तो जो लिटमस टेस्ट यदि एसिड पे किया जाता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कंडक्टिविटी, यानी कि जो करंट है वो कितने अच्छे कंडक्टर हैं। सो दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। नाउ द टाइप्स ऑफ एसिड, कितने टाइप के एसिड होते हैं, ठीक है। सो कुछ जो होते हैं वो जल्दी से आयनाइज हो जाते हैं, तो आयनाइज के बारे में भी बात करेंगे हम। और कुछ ऐसे होते हैं कि जल्दी से आयनाइज नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाएगा। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एसिड, द
द फर्स्ट वन आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? द एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज्ड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, आयनाइज का मतलब बात करते हैं अभी. जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हमने उसको किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन रिलीज होते हैं. ठीक है, जो कि पूरे वाटर के अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, जो कि यूनिफॉर्मली क्या करेंगे, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे और ये आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी अलग अलग. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के अंदर. ठीक है, सो दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड. सो बेसिकली देयर आर थ्री स्ट्रॉन्ग एसिड्स. फर्स्ट वन वी हैव द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, एंड द लास्ट वन वी हैव द नाइट्रिक एसिड, HNO3. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करें, इट इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स, इसको एसिड्स का राजा बोला जाता है. ठीक है, और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं. द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड ऑन एन इंडस्ट्रियल पर्पस. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द वीक एसिड्स. वीक एसिड्स कौन से होते हैं? वीक एसिड्स वो एसिड होते हैं जो कि कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं. द एसिड विच आर पार्शियली आयनाइज्ड आर कॉल्ड वीक एसिड, उनको वीक एसिड बोला जाता है. तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास आ जाते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड. ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप फोर्थ चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, स्पेशली मेंशन है इसके लिए. ठीक है, तो वीक एसिड जो होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एसिड के, उनमें से कुछ सेम एज इट इज रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिसोशिएट होकर क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ दिस एसिड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं जब उनको वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ, दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के साथ ट्रीट किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मेटल प्लस एसिड। कोई भी मेटल हमारे पास, उसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा तब क्या बनेगा हमारे पास? देन वी विल हैव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास कॉपर है, ठीक है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने, ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएंगी, डिसोशिएट हो जाएंगी, क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सेम हाइड्रोजन डिसोशिएट हो जाएगी, सल्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। मेटल कार्बोनेट हो या हमारे पास चाहिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, चाहे हमारे पास मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। ठीक है, तो मैं दोनों के एग्जांपल करता हूँ। मेटल कार्बोनेट में आप सोडियम कार्बोनेट ले लो, Na2CO3 प्लस, एसिड में आप क्या ले लो, कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ ले कार्बोनेट से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच गई, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जनरली वाटर रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन बच गया, यहाँ पर सोडियम, और सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सो सोडियम क्लोराइड इज ए साल्ट, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर। किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, जैसे कि हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा भी बोला जाता है इसको, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करो उसके अंदर डाल दो, तो यहाँ पर सेम एज इट इज कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन थी, दो निकली हैं जनरली, एक ऑक्सीजन बच गई, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या करेगी, वाटर रिलीज कर देगी। आफ्टर दैट वी हैव सल्फेट एंड हेयर वी हैव सोडियम, सो इट विल बी सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4। सो दिस इज ए साल्ट, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर। सो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ट्रीटेड with each other, then this type of reactions will take place. Now we have the metal oxide plus acid. किसी metal की तो हमने कर ली है, metal oxide के साथ क्या reaction रहेगा? ठीक है, थर्ड भी है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, इट विल गिव यू साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा वो एसिड के साथ
जब उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट आएगा और वाटर आएगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड की बात बारे में बात कर रहे हैं, सच एज वी हैव कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन कॉपर एंड क्लोरीन विल बी अटैच टू ईच अदर, देन वी हैव CuCl2, इट इज कॉपर को क्यू प्रेस भी बोल सकते हो, CuPrOUS क्यू प्रेस। आयरन है जैसे उसको फेरस बोला जाता है, ठीक है। तो साल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं Fe2O3, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो आयरन सल्फेट के साथ FeSO4 प्लस H2O, ठीक है। मेटल की एसिड के साथ करते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ध्यान रखा जाए इट इज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दैट विल गिव यू साल्ट एंड वाटर। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेस। बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। द केमिकल सब्सटेंसेस विच रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड बेस, उनको बेस बोला जाता है, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ बेसिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट हम बात करेंगे पीएच के बारे में, तो पीएच के बारे में हम बात कर चुके हैं, पीएच द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पेपर पर बात करें तो इनका जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है, पीएच इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। एसिड में हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने दो पीएच वैल्यू लिखी थी, द लेस विल बी द पीएच द मोर इट विल बी एसिडिक। बट इन दिस केस मान लो हमारे पास है 8 और एक है 9.8, दो पीएच दे रखे हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, बेसिक हैं, तो जो ज्यादा वैल्यू होगी वो मोर बेसिक मिलेगा और जिसकी कम वैल्यू होगी वो लेस बेसिक मिलेगा, जबकि एसिड के अंदर ऐसा उल्टा होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, टेस्ट, दीज आर बिटर इन टेस्ट, बहुत ही कड़वे होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, थर्ड दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, जब इनको पानी के अंदर मिला दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, किस टाइप के आयंस देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं, ठीक है। तो ये बेस के बारे में था। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी अरे एक प्रॉपर्टी हो रहेगी शायद, लिटमस टेस्ट,
ठीक है, लिटमस टेस्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। दीज टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। कितने टाइप के बेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास एसिड्स थे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, वीक एसिड्स। सिमिलरली दीज आर आल्सो टू टाइप्स, द स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस, तो फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, सेम रहेगा द बेसिस विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, द बेस विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। जनरली देयर आर टू स्ट्रॉन्ग बेसिस ओनली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH एंड KOH। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वीक बेसिस। वीक बेसिस कौन से होते हैं, द बेसिस विच आर पार्शियली आयनाइज्ड, द बेसिस विच आर पार्शियली आयनाइज्ड आर कॉल्ड वीक बेसिस। जैसे कि हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज CaOH2, आफ्टर दैट वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं एक एक्सेप्शन के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, जैसे जिसके बारे में हमने बात की थी, इट इज कंसिडर्ड एज एसिड एंड द लास्ट, इन द लास्ट वी हैव COOH, हमारे पास COOH मिलता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है CH3COOH, तो हम जनरली क्या देखते हैं, हाइड्रोक्साइड OH है पीछे, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, एंड इट इज आल्सो OH। ठीक है, तो ये जो है वो बेस में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर COOH मिल जाए आपको, दैट विल बी एसिड नॉट बेस। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। So the first property, what will happen when metals are treated with base? जब metal को base के साथ treat किया जाएगा तब क्या बनेगा हमारे पास, we will have the salt plus hydrogen gas। ठीक है, hydrogen gas बनेगी हमारे पास। तो मेरे पास एक example है, जैसे metal है हमारे पास zinc प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिंक इज ए मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, तो साल्ट बनेगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पर
सोडियम जिंकेट बनेगा Na2 ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन बेस आर ट्रीटेड विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। Then salt and water are released. So let us take an example. एक example लेके बात करते हैं। Base है जैसे हमारे पास calcium hydroxide CaOH2 plus non-metallic oxide carbon dioxide. ठीक है, carbon एक non-metal है, its oxide is carbon dioxide. तो salt बनेगा हमारे पास, यहाँ पर इसको थोड़ा सा open करते हैं, वी हैव एच टू ओ टू, तो यहाँ से क्या इसको थोड़ा सा क्या कर लिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो वाटर तो हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, अब कैल्शियम, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से कैल्शियम ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गई, तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट है जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा सॉल्ट बनेगा। वी विल हैव द कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, दो बार लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दो तीन वीडियोस में मैं इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूँगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।